लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले जो है सुहेल खान प्रोडक्शन, दूसरा अरबाज खान प्रोडक्शन, अब क्या जरूरत हो गई कि सलमान खान प्रोडक्शन खोलने की आपको? ये तो बताना पड़ेगा। बात तो सही है यार, एक अतुल का भी प्रोडक्शन है, सोहेल खान के बच्चे सोहेल खान के, टैक्सेस ज्यादा तो नहीं है, अरबाज खान के बच्चे अरबाज खान के, मेरे तो नहीं है, बेबी के बच्चे अतुल बेबी के। अबे तो You asked for it. You were a sitting duck. Production start किया फिल्मों से, इसको चलने दो, उसके बाद वहां पर लाइन लगा देंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। विजुअलाइज मत करना कोई। सलमान लव की बात चल रही, अगर आप हमें अपना ड्रीम लव बता सकें तो। देखो ड्रीम लव का ये चक्कर है कि ड्रीम में आती है वो सुबह को जब उठता हूँ तो याद ही नहीं होता है। okay. मेरा ड्रीम लव है भाई, मैं तुमसे काय को शेयर करूँ कि मैंने आपसे पूछा है कि आपका ड्रीम लव भाई मुझे बता दो कि कौन है, ना ना। ओके थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। चाहिए सलमान जी की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? कुछ नहीं, ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहे उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है। हाय सलमान। मम्मा व्हाट आर यू लाफिंग या? द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म इज लाफिंग देयर। माय बिगेस्ट मेमोरी ऑफ नवरात्रि इज हम दिल दे चुके सनम, ढोली तारो। बाइट चाहिए पक्का। रेसलिंग इज नॉट अ स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट फाइटिंग व्हाट लाइज विद इन। सो व्हाट्स दैट वन थिंग विद इन यू दैट यू आर स्टिल फाइटिंग विद इट? कहां कहां से लाते हो यार पाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता, माइक लेके जाओ, आपका जवाब इस बारे में क्या होता? नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा। माइक दे दो उन्हें। माइक प्लीज दो यार। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस फिल्म हैज बीन द लंगोट। आज मेरे को समझ में आया व्हाट हीरोइंस फील व्हेन दे गो थ्रू ऑल दीज स्विम सूट शॉर्ट्स एंड सो। वो लंगोट पहन लेंगे, विल डू। जब मैं वहां पर पहुंचा, 5000 का क्राउड है, सब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर, अरे भाई ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। सो आई सेड यार अली, आई एम नॉट, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू, चांस ही नहीं कि मैं वहां पर जाऊंगा। और कुछ औरतें भी बैठी थी वहां पर घूंघट घूंघट के अंदर, सब जूनियर आर्टिस्ट, ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। एनी वे आई सेड चलो ठीक है। अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला, यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो आई स्वर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा। एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग फ्रॉम माय वैन टू द वेयर द शूटिंग वाज द लोकेशन, मेरे आंखों में आंसू थे, आई वाज फीलिंग वायलेटेड। अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनने में, मैं वो शर्मिला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में। बट व्हेन आई टू गो एंड टेक दैट ऑफ एंड द साउंड हाय हाय, एंड मुझे समझ में आ रहा था कि बिकॉज आई हैव सीन द जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, यू नो हर पिक्चर के अंदर यू वर्किंग विद द सेम पीपल, सो यू कैन अंडरस्टैंड द वॉइसेज। आई से घूंघट खोलो, इसे नहीं खोलेंगे। नाउ व्हेन अ रेसलर ट्रेन्स, ही ट्रेन्स फॉर एन आवर एंड हाफ, 2-3 आवर्स, एंड शाम को वापस है 2-3। तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, एमएमए की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप। तो एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर, कि नहीं सर एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना, क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना। तो बिकॉज ऑफ हिम 3-4-5 रीटेक, सो दैट 6 आवर्स ऑफ
You know, in those lights and training, that used to take a toll on the body. सबसे बड़ा बेवकूफ होऊंगा मैं जो बोलूंगा कि नहीं नहीं भाई मुझे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं है. कौन ऐसा आप हो? नहीं. अच्छा तो ऐसा कौन है जब देखो ये सब प्रमोशन वोमोशन के फंडे होते हैं कि बहुत तकलीफ हुई वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आप जब सवाल ऐसा पूछते हो तो दिस इज मी बेसिकली. यू नो कोई तकलीफ वकलीफ नहीं हुई. इट इज़ अ पीस ऑफ केक. ये जो करता हूँ मैं एक रोज एक डेली करता हूँ. डेली करता हूँ मैं ये. इट्स नॉर्मल. देयर्स अ टैग लाइन ओवर देयर दिस साइड सलमान हियर. देयर्स लिपिका. There's a tagline over there saying fight for love and fight for glory. But jahan tak mara dimag jaye chhe aap tari tare life mein to bahut loads of love mila hai and loads of glory. Elaborate. Itna elaborate aapne kar diya main kya karu. सलमान अनुष्का आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से. तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक. दिस वाज द लास्ट सवाल. एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है. चलो मैडम लेट्स गो. थैंक यू. धन्यवाद. सुपर्ब गाइस. लव यू ऑल. थैंक यू. बाय. सी यू. बाय. I saw it in the car today. Somebody sent it to me. I've died laughing. But hats off. Yeah, amazing. Yeah. Some kids from Odisha have made this. Yeah. How sweet. I had to share with you guys. Oof. Amazing. The best shot was Daisy Novik. Oh, ma. रही सर किसको बोला आप कुछ इनके पास एक ऐसा आदमी था जो इनको पढ़ाता था. एग्जाम में पास हो जाते थे. उसका नाम भूलिए क्या नाम था. नाम ही भूल गए. इम्तिहान से पहले मिलता था इनसे और यूज टू मेक श्योर कि पास हो जाएं. क्या नाम था उसका याद नहीं रही. वेरी बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पर. सोहेल को याद होगा. सोहेल को याद होगा. गणेश. सोहेल जस्ट सेड गणेश. यू रिमेम्बर गणेश. सो क्या गणेश गिव यू वन डे क्रैश. और उसके घर में बहुत खातिर तवाजा होती थी. जो भी नाम था उसका गोवर्धन या जो भी कुछ राम राम अरे राम राम. आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है. तो इस बार केमिस्ट्री सर इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस सर आपने रिक्रिएट किया. सर देयर इज नो केमिस्ट्री ओनली सर. दैट्स व्हाई कॉलिंग अ बहन जी इन द फिल्म. ओके. हाय कबीर सलमान. अरे सर पूछो ना क्या पूछ रहे थे. पूछिए सर क्या पूछ रहे थे. सलमान करीना जब आपको रोमांस कर रही थी करीना को किसकी याद आ रही थी. Now you can't insult me like this, ma'am. किसकी याद आ रही थी मतलब. चलो मेरे सामने होंगी मेरी ही याद आएगी और किसकी याद आएगी. आपको किसकी आ रही थी. मुझे एक्चुअली सैफ की याद थी. सैफ की याद आ रही थी. मेरी जिंदगी में ऐसे ही होता है. मौका नहीं नहीं वही वाले मैं बोलूं. And now in Pune, I mean, so many of you are here. I can't wait to see the turnout in the evening. And it's just, it doesn't even feel like work. We are all just having such a blast on stage. The entire team has done such a fabulous setup and, you know, put this show together for us. And we as artists have just enjoyed performing with each other. So it's always something that I look forward to. And I'm why is Manish Paul not saying anything? You want me to say something? I'm in shock. Kya hua? His low
लोअर बैक में दर्द है पर लोअर बैक से थोड़ी बोलता हूँ मैं बोलूंगा तो नहीं बट मैं बोलूंगा मैं थोड़ा शाम के लिए बजा के रखा है सॉरी मेरे मुंह में टॉफी कुछ खा लो खा लो खा लो मैंने साइड में दवाली टॉफी फ्री में पड़ी थी दो जेब में भी थे अभी तो सब कुछ चलता ही है मैं सोच रहा हूँ कि बिग बॉस से ही शादी कर लूँ ये एडवांटेज है उसका कि सिर्फ आवाज़ ही है और बिग बॉस की एक माँ की आँख भी है So I'll tell you, when I signed Big Boss a long time ago, there was one season that I did with Sanju, and season 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, so that was a really good jodi for me. But let me take you slightly back. When I signed Big Boss, the one who was being considered to sign Big Boss was Shah Rukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. No. So Shah Rukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had some that shoulder ka jo injury tha uska pehle, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down and so he couldn't do the show, and that's how I got into Big Boss. And this is something that I learned some time ago and didn't get a chance to thank, you know, Colors and thank Shah Rukh. For you know, giving me Big Boss. On your left. Yeah, one sec. We'll address it. Baji, इनके लिए भाईजान नहीं है. Liar. No. Like that, you're commenting on everything. I get into trouble when I up my Instagram. But do you not like and comment on Salman sir's pictures? You know, it's not intentional. But now that you say it, I'm thinking about it and yeah, I think you need. Like that, you're commenting on everything. I think. You need to maybe up your Insta audience, game. Huh? I think you need to up your Insta game. I get into trouble when I up my Insta game. Holier from the Filmi Charcha. Center sir. Yeah. Sir, Bharat shabd naam sunte hi sabse pehle agar zehen mein kuch aata hai to hamara desh aata hai sir. Aapke liye gaurav ki baat hai sir ki aapke film ka naam bhi Bharat hai aur aapke kirdar ka bhi. Dekha jaye to ek saath teen teen Bharat ki zimmedari aapke kandhon par hai. Kirdar ka, film ka, desh ka. तो सर तीनों को किस तरह से आप एक दूसरे से जोड़ते हैं और कद्र और इज्जत कायम रखने के लिए क्या क्या तैयारी हुई है सर बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने दोबारा पूछू सर नहीं नहीं अगर अगर आपने वो सवाल दोबारा पूछा तो जवाब भी उसी सवाल में है जो आपका सवाल था वही जवाब भी था तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का और जवाब देने का सर कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिक्चर का नाम भारत है मेरा मेरे किरदार का नाम भी भारत है मेरा कैरेक्टर नाम भारत है और हमारे देश का भी नाम भारत ही है बट आई हर्ड आयुष यू गॉट हिट ऑल्सो व्हेन द टू ऑफ यू ऑल वर डांसिंग गरबा एंड ऑल ऑल्सो बाई मिस्टेक भी लगी ना तुम्हें जैसे ये भाई ये जो शॉट भी था जो शुरुआत में ट्रेलर का था तो एक्चुअल में कभी मारा है इसने तुम्हें ऐसे जो गरबा सीखते सीखते नकल्स पर तो लगती होगी यार बहुत ज़्यादा ऐसे वो एक स्टेप होता है ना गरबा का ये तो जो साइड में मुझे पड़ती थी इसे वो मैं ही जानता हूँ स्ट्रॉन्ग बॉय इसके ऊपर एक किस्सा याद आया मैं और आमिर एक शो कर रहे थे तो आमिर स्टेज पर न्यूयॉर्क में या कहीं पर अमेरिका के अंदर वो गरबा खेल रहे थे एंड ही शुड थ्रो हिज गरबा स्टिक्स इन टू द ऑडियंस नौ टाके बारह टाके बेचारी फैन वो पकड़ने गई मिस हो गया और किसी हक के सर पे आके लग गया दैट वाज द एंड ऑफ थ्रोइंग डांडिया स्टिक्स इन द ऑडियंस